कौसल्या कहे दोष न काहु, किसी का दोष नहीं। ये तो कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु, दुख सुख हानि लाभ भाग्य के अधीन है, कर्म विवश हैं। और देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। विधाता का प्रपंच किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात का मुझे दुख है, श्री राम जी के बन जाने का नहीं। राम जाहिं बन राज तज भल परिणाम न पोच। राम जी वन को चले जाएं, लौट कर आ जाएंगे, परिणाम अच्छा होगा बुरा नहीं होगा। तो फिर आपके आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी ने कहा कि राम जी की सौगंध मैंने आज तक नहीं की, लेकिन चित्रकूट जैसे तीर्थ में मैं राम जी की सौगंध करके कह रही हूं। गहवर ही ये कहे कौशला मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता है। क्यों? क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मुहे लागत नाही। भरत जी के हृदय में छिपा हुआ प्रेम है। भरत राम के बिना नहीं रह सकते। इसलिए सुनैना जी, आप महाराज जनक से प्रार्थना करें कि पंचायत में ऐसा फैसला हो कि भरत जी राम जी के संग चले जाए। श्री सीता जी को लेकर विदा हुई, सुनैना जी जनक जी के पास आई। जनक जी ने बेटी को वनवासिनी वेश में देखा। भयउ प्रेम परितोष विसेखी। मन में स्वाभिमान का उदय हुआ कि मेरी बेटी के ऐसी त्याग का जीवन। लेकिन मन में एक बात आई, किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया बड़े ठाट वाट से। बेटी की विदा हुई, ससुराल गई, देवयोग दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग जुड़े, शोकाकुल था परिवार। उस बेटी का पिता भी आया था, सबने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। पिता ने कहा कि बेटी की समाधि बनाओ तो उस पर ये दो पंक्तियां मेरी ओर से लिखा देना। क्या दिया? जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीद ना मुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में। हम यही देना भूल गए थे। जनक जी भी सोचते हैं कि हम ये वनवासिनी का जो वेश धारण किया, ये वस्त्र देना भूल गए थे। श्री जानकी जी की ओर देखकर कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को पवित्र किया बेटी। श्री जानकी जी माता से विनय करके लौटकर अपने शिविर में आ गई। जनक जी से मां सुनैना ने कहा जो कौशल्या जी ने कहा था। जनक जी उठकर बैठ गए। देवी धर्म राजनीति ब्रह्म विचार अत्यंत जटिल विषय है। धर्म के बारे में निर्णय करना कठिन। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित होते हैं। और राजनीति कुछ भी निर्णय पूर्वक कहना कठिन होता है। और ब्रह्म विचार वेदांत, वेदांत तो अकथ का कथ्य है, जो नहीं कहा जा सकता उसको ही कहा जा रहा है, कितना कठिन। पर श्री जनक जी कहते हैं तीनों विषयों में मेरा अधिकार है, पर मेरी ऐसी सूक्ष्म बुद्धि भी सो मति मोर भरत महिमा ही कहे काह छुअ सकत न छाही। ऐसी मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा क्या कहेगी, उनकी परिछाई भी नहीं छू सकती। भरत जी के गुण तो एक ही हैं जो जानते हैं, वे हैं श्री राम। भरत महामहिमा सुन रानी, जान ही राम न सकही बखानी। पर भरत कथा भवबंध विमोचनी, पूरी रात यही चर्चा करते रहे। इधर श्री भरत सब सो रहे हैं, पर दो भाई जाग रहे हैं। एक नेम के कारण,
एक प्रेम के कारण, एक राम जी के चिंतन में, एक राम जी की चिंता में, एक सजग लोचन है, एक सजल लोचन है। नेम के कारण जाग रहे हैं श्री लक्ष्मण और प्रेम के कारण जाग रहे हैं श्री भरत। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं, भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। नींद नहीं आती। श्री भरत यही सोचते हैं के ही विधि हो ये राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपावन एको, मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आता। अहो अहो इस शिला खंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। मन में एक बात आई, माता कौशल्या के कहने से राम जी लौट जाएंगे। मैं मां कौशल्या से ही कहूंगा। मन में हर्ष की लहर उठी, लेकिन फिर विषाद आ गया। कौशल्या माता के कहने से लौट तो चलेंगे श्री राम, लेकिन कौशल्या माता कहेंगी तब ना। मां तू कहें बहुरई रघुराऊ, लेकिन राम जननी हठ करवी की काऊ। व्यंग कितना मधुर है, वे राम जी की जननी है, वे हठ करना क्या जाने। हठ करना तो भरत की मां को आता है, राम की मां हठ करना क्या जाने। श्री राम जी की मैया हठ नहीं करेंगी। तो गुरु जी के कहने से तो राम जी अवश्य लौट जाएंगे, ठीक है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, फिर हर्ष। लेकिन लगा कि बात बनेगी नहीं। मुनि पुनि कहो राम रुचि जानी, राम जी का जैसा रुख देखेंगे गुरु जी वैसे ही बोलेंगे। उनका तो एक ही है, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभो तेरी हां में मेरी भी हां है, और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। अच्छा भरत तुम ही क्यों नहीं कहते, मैं कहूंगा क्या कह पाऊंगा। मैंने आज तक राम जी की ओर मुख उठाकर देखा नहीं है। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे, नयन मेरे नेत्र भगवत दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुए। और अगर मैं हट करूं तो मैं तो सेवक हूं, सेवक का धर्म चला जाएगा। जो हट करूं तो निपट कुकर्मो, हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। करके नजरे इनायत वो आए, मगर क्या कहें यार हमको, उसी वक्त पर अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला ना सके। मैं कैसे कहूंगा, पूरी रात बीत गई, एक जुगति न मन ठहरानी। सोचत भरत ही रहे न बिहानी, सवेरे गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि भरत मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? श्री सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे, पर एक शर्त है, तुम दोनों भाई बन को चले जाओ। गुरुजी ने यह शर्त बहुत सोच समझ के रखी थी। भरत जी राम जी के बिना रह नहीं सकेंगे, और शर्त ऐसी रखो जिसमें राम जी के बिना रहना हो ना। तो भरत जी कहेंगे गुरु जी ये कैसे हो सकता है, तो मैं कहूंगा फिर राम जी कैसे लौट सकते हैं। लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों भाई वन में चले जाओ, सुनत बचन पुलकित दो भ्राता, दोनों भाई पुलकित हो गए, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। भरत जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर श्री राम अयोध्या लौट जाएंगे, मेरे सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि भरत ये छोटी शर्त नहीं है, राम जी के बिना 14 वर्ष रहना है। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव मेरे सीताराम सिंहासनासीन हो जाएं, तो 14 वर्ष की कौन कहे। मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं, कानन करूं जन्म भरी वास, मैं जीवन भर वन में रह सकता हूं। अरे फिर तुम्हें राम जी नहीं मिलेंगे, न मिले पर यही क्या कम है कि मेरे कान सुनते रहेंगे
कि मेरे राम जी राजा हैं, प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। वशिष्ठ जी फिर बोल नहीं सके, तत्सुख सुखित्व का ऐसा उदाहरण और कहाँ। नीके रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियर रहो चाहे न्यारे बने रहो, नियर रहो चाहे न्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो। श्रवणन से सुन सुन सुख पाऊं, श्रवणन से सुन सुन सुख पाऊं, इतने ही प्राण आधार बने रहो, इतने ही प्राण आधार बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो। भरत महा महिमा जलरासी, मुनिमत ठाण तीर अबलासी। पंचायत में आए, श्री राम जी ने देखा जनक जी विराजमान हैं, वशिष्ठ जी विराजमान हैं, भरत जी हैं, सब सभा है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव निर्णय कर दें। गुरु जी ने कहा कि मैं निर्णय नहीं कर सकता, भरत भगति बस भई मति मोरी, मेरी बुद्धि तो भरत जी की भक्ति के बस में हो गई। भरत स्नेह विचार न राखा, तो आप कुछ तो कहें। गुरुदेव ने कहा मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ सिओ साखी। राम तुम ही कुछ फैसला करो। राम जी ने कहा गुरुदेव विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहव सब भांति भदेशु, आप बैठे हैं महाराज, जनक बैठे हैं, मेरा बोलना भद्दा लगेगा। दो पंच चुन लिए, गूढ़ स्नेह भरत मन माही और जनक जी जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। भरत जी के पंच जनक जी और राम जी की ओर से पंच श्री वशिष्ठ जी, पर दोनों पंच कुछ निर्णय करने की स्थिति में नहीं, तो तीसरा सरपंच चुन लिया। तीसरा सरपंच कौन, का सकल विलोकत भरत मुख बनई न उतर देत। श्री भरत जी ने देखा, उठकर खड़े हो गए। राम जी को बोलने में जहां भद्दा लग रहा वहां श्री भरत जी बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा कि प्रभु बाहर भी आप हैं और मेरे भीतर हृदय में भी आप हैं, अगर आपको बाहर से बोलने में कुछ भद्दा लग रहा है तो भीतर से बोल दीजिए, वाणी मेरी होगी, बात आपकी होगी। और भरत भारती मंजू मराली, श्री भरत जी सरस्वती जी का स्मरण करते हैं, मानो भरत जी नहीं सरस्वती जी बोल रही हैं और सरस्वती जी के माध्यम से राम जी बोल रहे हैं। यही है, वाणी भक्त की होती है और बात भगवान की होती है। श्री भरत जी ने कहा मैं तो बस सेवा चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मुझे अवध ले चलकर मेरी सेवा करो या मेरे साथ चलकर मेरी सेवा करो। श्री भरत जी बोले दोनों बात नहीं कह रहा हूं। फिर का आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, आदेश मिल जाए, आज्ञा मिल जाए। राम जी पुलकित हो गए। राम जी ने कहा कि भरत पितु आए सुपाल ही दो भाई, दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसमें बड़ी कठिनाई, निर्णय हो गया। भरत जी ने 5 दिन में चित्रकूट का दर्शन किया। आज सुंदर दिन जानकर जाने की बात मन में है, पर राम जी कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। तो राम जी ने सोचा कि हम
कैसे कहें कि आप लोग जाओ, कोई दूसरा कह दे। तो श्री राम जी ने देखा गुरु नृप, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकुचि राम पुनि अवनि बिलोकी। गुरुदेव की ओर देखा, आप कह दें, गुरुदेव मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा काम तो जीव को भगवान से मिलाना है, मिले मिलाए को अलग करना तो नहीं। श्री जनक जी की ओर देखा, और श्री जनक जी कहते हैं कि मैंने तो कोई फैसला किया नहीं, मैं कैसे कह दूं कि जाओ, कोई और व्यक्ति कह दे। और उसके बाद राम जी ने सकुच राम पुनि अवनि बिलोकी, धरती की ओर देखा। भरत जी समझ गए, उठकर खड़े हुए, आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरे, आप आज्ञा दे दें, आधार मिल जाए। भगवान ने पादुका दी, श्री भरत जी ने पादुका अपने सिर पर रख ली। भगवान ने कहा कि भरत, तुमने मुझसे आधार मांगा था, हमने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। भरत जी ने कहा कि प्रभु, भार नहीं आधार है। आधार कहीं सिर पर रखा जाता है? हाँ प्रभु। कब का सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो आधार सिर पर ही रखना होता है। लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या का भार डाल दिया, आपने पादुका दे दी, अब राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया। अब वो राज्य का भार जो मेरे सिर पर था, आज से पादुका पर रहेगा। सिर पर लोग कुछ सामान रखना हो तो पगड़ी का आधार रख लेते हैं, इसी तरह राज्य का भार सिर पर था, आपने पादुका दी, अब पादुका के आधार पर राज्य का भार रहेगा। भरत, वो तो ठीक है, पर पादुका किसकी है? का प्रभु आपकी। राम जी ने कहा कि तुम तो अयोध्या ले जा रहे हो, फिर कैसे फैसला होगा कि पादुका मेरी? भरत जी ने कहा फैसला हो जाएगा, पादुका अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती, और पादुका अगर अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। ये पादुका कभी पद से अलग हो ही नहीं सकती, चाहे पद में रहे चाहे पद पर रहे। पद में रहे तो पद का भार पादुका पर, और पद पर रहे तो पद का भार पादुका पर। भरत, सो तो ठीक है, लेकिन तुमने तो पनही मांगी थी, मोरे शरण राम ही की पनही, और तुम्हें पादुका मिल गई। श्री भरत जी ने कहा यह भी अच्छा रहा, पनही माने जूता, यह भी पाँव में रहता है, और पादुका खड़ाऊँ यह भी पाँव में रहती है, लेकिन एक अंतर है, जूता पाँव को संभालता है और खड़ाऊँ को पांव संभालता है। अगर मुझे पनही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना होता, पर पादुका मिल गई है, अब आपके, जब पादुका मिली है तो आपके चरण ही मुझे संभालेंगे, और मैं तो यही चाहता हूं कि आपके चरण मुझे संभालें। खड़ाऊं में एक खूंटी, खूंटी को अंगुष्ठ और अंगुली मिलकर पकड़ लेते हैं, मैं लकड़ी की खड़ाऊं की तरह पड़ा रहूं चरणों में, और मेरे विश्वास की खूंटी को अंगुष्ठ की तरह से एक ओर से प्रभु आप, और अंगुली की तरह से एक ओर से जानकी माता, दोनों मिलकर संभाले रहे, यही मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा कि भरत, सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें आधार क्या मिला? भरत जी ने कहा कि प्रभु, मुझे भी आधार मिल गया, अब आपको खोजने के लिए मुझे बन बन नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों? पादुका मैं लेकर जा रहा हूं, और प्रभु पादुका चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है।